वेलकम टू हैशटैग रत्ना डिस्ट्रीब्यूटर, दिस इज निखिल। गाइस आज आपका हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले एक ही बहुत शानदार प्रोडक्ट जिसका नाम है यूएसबी हब 3.0, जिसके अंदर चार यूएसबी हब दे रखे हैं। नीचे लिखा हुआ है 5 Gbps यूएसबी और यहाँ पे हमें मिलता है 3.0 यूएसबी हब। 1.2 मीटर इसके वायर की लेंथ है, जिसके अंदर चार यूएसबी हब हमें मिलेंगे विथ एलईडी इंडिकेशन के साथ। और इसकी जो साइज, जो डेटा ट्रांसफर स्पीड है वो 5 Gbps यहाँ पे दी हुई है और डीसी 5 वोल्ट एज एडेप्टर भी काम करता है। आइए हम खुलते देखते क्या है इसमें। इसे हम ओपन करेंगे, हमें मिलेगा एक यूएसबी हब जिसमें चार पोर्ट हो गए। एक ये हमें वायर मिल जाता है 1.5 मीटर के आसपास, ये इसकी लेंथ है यहाँ पे जो दे रखी है वो। अब इसको हम यूज कर सकते हैं यूएसबी हब में, पीसी के अंदर हम कीबोर्ड लगा सकते हैं, माउस लगा सकते हैं, चार्जिंग केबल लगा सकते हैं, पेन ड्राइव भी लगा सकते हैं, मतलब एज अ डेटा ट्रांसफर भी करेगा और चार्जिंग भी करेगा। अब हम इसे चेक करते हैं कि ये कैसे वर्क करता है, प्रॉपर काम करता है या नहीं करता। करते हैं चालू, इसे हम कनेक्ट करते हैं लैपटॉप से। जैसे ही हमने कनेक्ट किया, इसके अंदर लाइट आ गई, एलईडी इंडिकेशन आ गया, मतलब ये ऑन हो चुका है। अब हम इसमें कनेक्ट करेंगे, सबसे पहले मोबाइल चार्ज करके देखेंगे कि मोबाइल इसमें चार्ज होता है या नहीं होता है। ये हम करेंगे अभी मोबाइल चार्ज, ये पोर्ट लगा दिया इसमें और ये अभी हम डालेंगे इसके अंदर। जैसे ही हमने डाला, मोबाइल वाइब्रेट हो गया, मतलब चार्जिंग स्टार्ट हो चुकी है। चारों पोर्ट चेक करेंगे, चारों पोर्ट में चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, दूसरे में भी। अब तीसरे पोर्ट में डालेंगे, तीसरे में भी चार्ज हो रहा है, चौथे में डालेंगे, चौथे में भी चार्ज हो रहा है, एकदम कंप्लीट चार्ज हो रहा है चारों पोर्ट में। और चारों पोर्ट में आप एक साथ चार मोबाइल भी लगा सकते हैं। अब हम करेंगे इसके अंदर पीसी के अंदर एक पेन ड्राइव डालेंगे, एक कीबोर्ड लगाएंगे और एक माउस लगाएंगे। तीनों प्रॉपर एक ही यूएसबी से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे वो भी हम चेक करेंगे। अब हम इसमें करेंगे कीबोर्ड, माउस और ये पेन ड्राइव तीनों कनेक्ट। सबसे पहले तो मैं लगा देता हूँ यहाँ पेन ड्राइव, ठीक है, ये लग चुकी है पेन ड्राइव फर्स्ट पोर्ट में। दूसरे में मैं डाल देता हूँ कीबोर्ड, ये लगा दिया मैंने यहाँ पे कीबोर्ड यूएसबी 2 में, ठीक है। और 3 में लगा देता हूँ, डायरेक्ट 4 में लगा देता हूँ ये माउस। माउस जैसे ही लगाया, रेड कलर की लाइट ब्लिंक हो गई, मतलब चालू हो गया। कीबोर्ड में चेक कर लेता हूँ चालू हुआ कि नहीं हुआ, कैप्स लॉक दबाया, कैप्स लॉक में लाइट आ चुकी है, मतलब ये भी ऑन हो गया। और पेन ड्राइव भी यहाँ पे आ चुकी है। अब कीबोर्ड में माउस चला के देख रहा हूँ, ये देखिए ये पेन ड्राइव आ चुकी है अपनी, ये रहा नो नेम से, ये पेन ड्राइव का फोल्डर है जिसके अंदर सब सॉन्ग्स भरे हुए है, माई म्यूजिक। और ये कीबोर्ड भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है। अब हम देख, माउस भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है। अब हम कीबोर्ड चेक करते हैं, कीबोर्ड भी एकदम प्रॉपर वर्क कर रहा है। अप डाउन कुछ भी टाइप करना है, कंट्रोल एंड न्यू फाइल, एक हम वर्ड का कोई भी फाइल खोल देते हैं और चेक करते हैं कि कैसे ये, किस स्पीड से ये काम कर रहा है। अब जैसे ये मैंने एक बार यहाँ पे लिख लिया कीबोर्ड कैसा काम कर रहा है, तो कीबोर्ड भी एकदम प्रॉपर काम कर रहा है, स्पीड भी एकदम मस्त है और एकदम मतलब क्वालिटी है, ऐसा जरा भी डिफरेंस नहीं आ रहा है कि हमने यूएसबी हब के थ्रू कनेक्ट किया है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है गाइस। अगर आप चाहते हैं एक ही यूएसबी से हम सब कुछ कर सके तो इससे आपका काम बहुत इजी हो जाएगा। जैसे कि कुछ लोग जो कि ई मित्र और ये सब रन करते हैं, उन्हें क्या है बार बार एक्सटर्नल पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड बहुत सारे लगाने पड़ते हैं, उससे ये हब खराब होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि बार बार बंद चालू निकालना डालना। तो अगर ये हब हम हब में करेंगे तो कुछ भी खराब होगा तो वो हब में ही खराब होगा। इसके लिए प्रोडक्ट बहुत ही बेस्ट है। अगर आप चाहते हैं इसे खरीदने के लिए तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें और हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया, गाइस प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।